यशोदा, राणा जी का कुछ पता चला? नहीं राजमाता, घुड़सवार दस्ता राणा जी को हर जगह ढूंढकर वापस आ गए, लेकिन राणा जी कहीं नहीं मिले। गोविंद सिंह शकुन के साथ आने ही वाले हैं, और ऐसे में राणा जी का गायब हो जाना अच्छा शगुन नहीं है। अगर गोविंद सिंह को पता चल गया कि राणा जी विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो राजमहल गोविंद सिंह के कर्जे के कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राणा जी की ना पर पर्दा आपने डाला है राजमाता, और जो पर्दा आपने डाला है वो आपके से और कौन हटा सकता है? राणा जी, ये पर्दा सिर्फ राणा जी निकाल सकते हैं। राजमाता प्रणाम, सेठ गोविंदा शगुन लेके महल में पधार रहे हैं। उनको आदर के साथ अंदर ले आइए। जी। अब हम गोविंद सेठ को क्या जवाब देंगे? राजमाता, जवाब उन्हें देना पड़ता है जिनसे सवाल करने की किसी में हिम्मत हो। आपके सवालों का जवाब देने का लोगों को साहस नहीं होता, वो भला आपसे क्या सवाल करेंगे? आप बेफिक्र रहिए, सब सही हो जाएगा। चलिए, हम सेठ जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम राजमाता। प्रणाम। राजपुरोहित ने शुभ विवाह की तिथि तय कर दी है, आज से 5 दिन के बाद। कितना जल्दी विवाह होना हमारे लिए ठीक नहीं है महाराज। राजमाता बहुत जल्दी कर रही है। जल्दी जल्दी चलने वाले फिसलते ही हैं कोकिला। तो यदि आपको इस स्थिति से आपत्ति न हो तो राणा जी को बुलाइए, हम शगुन लेकर आए। इन्हें कैसे बताएं कि राणा जी महल में नहीं है और उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया है? इसी बहाने राणा जी के दर्शन भी हो जाएंगे और इस विवाह के बारे में उनके क्या विचार है वो भी पता चल जाएगा। क्या हुआ राजमाता, कोई समस्या है? वो दरअसल राणा जी, माफ कीजिएगा लेकिन दो होने वाले संधियों के बीच में बाहर के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। मैं राजमाता के मुख से सुनना चाहूंगा। बताइए सेठ जी, राजमाता ने आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम तो फिसलने का इंतजार कर रहे थे, राजमाता तो मुंह के बल गिरने वाली है। राणा जी इस विवाह के लिए तैयार हैं। Oh,
आओ भाई, ये दो। शगुन स्वीकार कीजिए राणा जी। राज पुरोहित के अनुसार आज से 5 दिन के बाद का मुहूर्त है। आशा रखता हूं इस तारीख से आपको कोई आपत्ति तो नहीं। क्या हुआ राणा जी, आपको इस तिथि से कोई एतराज है? जी नहीं, लोग अपनी शादी की तारीख चुनते हैं तो लगता है कि इस तारीख ने हमें चुना है। हमारी पहली शादी भी इसी तारीख को हुई थी। तो राणा जी, ये तारीख हम बदल सकते हैं? हमें इस तारीख से कोई एतराज नहीं है। अब जब नसीब ने तय कर ही लिया है, इंसान मजबूर हो ही जाता है। और फिर ये रिश्ता दो लोगों के बीच कहां, दो परिवारों के बीच हो रहा है। इसमें दोनों परिवारों का फायदा है। जी जी, ननंदिया की किस्मत तो देखो, राज माता ने अंग्रेजी तस्वीर वाला भेजा है इसकी तस्वीर निकालने के लिए। चप्पा, सच में गायत्री की तस्वीर डब्बे में बंद हो जाएगी? हाँ जी जी, अभी देखना डब्बे में से रोशनी निकलेगी। हाँ, गंगा कसम। बच्चों, वो नहीं 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 नहीं, डब्बे के सामने नहीं जाना, नहीं तो तुम दोनों भी डब्बे में बंद हो जाओगे। चंपा, दिल तो मेरा भी कर रहा है तस्वीर खिंचवाने का, लेकिन रानी तो सिर्फ गायत्री है ना जीजी। स्माइल। Wonderful.
गायत्री कैसी हो? कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? ससुराल से कब आए? और ये दोनों कितने बड़े हो गए? बड़ी तो तू हो गई है। सुना है हमारी गायत्री रानी बन गई है। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आना पना तो ऐसे कुछ ना होता। हाँ? पता ना कब हुआ, कैसे हुआ? पता नहीं कब हुआ कैसे हुआ, पर इतना पता है कि उन्होंने मुझे मन से मान लिया है। मैंने तो बस अपनी दिल की बात बताने के लिए उन्हें एक चिट्ठी भेजी और जवाब में उन्होंने राजमाता को भेज दिया रिश्ता लेकर। हाय, इसे कहते हैं कहानी वाला प्यार, एक राजा और एक रानी वाला प्यार। अच्छा बलम जी के बारे में कुछ तो बता, राणा जी से क्या क्या बातें हुई तेरी? बात तो नहीं हुई, पर इतना पता है उन्होंने मुझे मन से अपना लिया है। बाऊजी, उन्होंने बाऊजी से खुद कहा कि वो शादी के लिए तैयार है। शादी तो अब हो रही है, बंधन तो तभी जुड़ गया था जब पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था। राजपुरोहित के अनुसार आज से 5 दिन के बाद का मुहूर्त है। अगर आपने हाँ नहीं की तो गलती किसी की भी हो, सजा आमिर कोर्ट की प्रजा को ही मिलेगी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, राणा जी का विवाह गोविंद सेठ की बेटी के साथ। हमने तो सोचा था कि राणा जी कभी सुलक्षणा की यादों से निकल ही नहीं पाएंगे, ना ही कभी उनका दूसरा विवाह होगा और ना ही कभी आमिर कोर्ट को उसका वारिस मिलेगा। बताइए ना, आपने उतावली बिल्ली की कहानी सुनी? वो बिल्ली मलाई खाने से पहले मियाऊ मियाऊ करने लगती थी, इसीलिए हमेशा पकड़ी जाती थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? ताकि आप मलाई खाने से पहले मियाऊ मियाऊ करना बंद कर दें। जी? अभी हम महाराज बने नहीं है। हमारे महाराज बनने से पहले अगर आप महाराज महाराज का शोर मचाएंगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमाता ने हमें कुछ नहीं बताया, इस बारे में हमें भी उतनी ही जानकारी है जितनी कि आपको है। इससे अच्छा तो ये होता कुमार साहब कि राणा जी के आने पर जो आपने धमाका करवाया था वो कामयाब हो जाता, इससे कम हमें ये जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। और आज आप राजगद्दी पर बैठे होते। क्या हुआ? बातें तो आपको ऊंची आवाज में सोचनी भी नहीं चाहिए। राजमहल में दीवारों के भी कान होते हैं। आपको क्या लगता है वो धमाका हमने करवाया? तो और कौन करवाएगा?
मतलब और कौन करवाएगा? अगर हमने वो धमाका करवाया होता तो हम खुद वहां होते क्या? धमाके से हमें भी नुकसान पहुंच सकता था ना। बारूद किसी का वफादार नहीं होता। मतलब सच में आपने नहीं धमाका करवाया? पर वहां जो धमाका हुआ, मतलब राणा जी का कोई दूसरा दुश्मन पैदा हो गया? कौन हो सकता है? खैर, हम तो बस यही कहेंगे कि जो आपने तब नहीं करवाया वो अब करवा दीजिए। हमने सुना है क्रांतिकारियों के यहां बम बनाने वाले लोग होते हैं। आपकी यादों को, आपकी हस्ती को इस महल से मिटा देना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तस्वीरें दीवारों से हटाई जा सकती हैं, दिल से नहीं। हमारी आंखों में और कोई तस्वीर कभी नहीं बच सकती सुलक्षणा। आंखें बंद होती है तो इनमें बस आपका ख्वाब आता है, और जब खुली होती है बस आपका इंतजार, बस आपका इंतजार सुलक्षणा। हमारी यादों की चिता जला रहे हैं, उस प्यार की चिता जला रहे हैं जिसकी हत्या आपने की है। पागल मत बनिए इंद्रावतन। राज माता, आज यहां सिर्फ ये खत, ये तस्वीरें, ये यादें नहीं जल रही है, आज एक रिश्ता भी जल रहा है, एक मां और एक बेटे का रिश्ता। और इस रिश्ते को आग आपने लगाई है राजमाता। आज के बाद आप हमारी मां नहीं और हम आपके बेटे नहीं रहे। अब आप हमारे लिए सिर्फ राजमाता हैं और हम आपके लिए आमिरकोट के राजा।